नमस्कार, स्वागत है आपका मन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा कुमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पे और यहाँ पे जो है वो आपको हम दिखा दें कि भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो लोग हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन महाआंदोलन का जो है वो आयोजन किया है। इन लोगों ने जो है वो महाआंदोलन किया जो कि अनिश्चित काल तक चलेगा। अब ऐसा क्यों है और क्या पूरा मुद्दा है, आइए हम इनसे बात करते हैं और पता करते हैं आज क्या कुछ किया है आप लोगों ने, क्यों अनिश्चित काल ये आंदोलन कर रहे हैं महाआंदोलन। आज का जो आंदोलन था वो अनिश्चितकालीन था। हाँ। और अनिश्चितकालीन तो 7 मई से ही चल रहा, तरह तरह का कार्यक्रम भी हो रहा। कैसे? कल भिक्षाटन का कार्यक्रम था। हाँ। सबसे पहले भाजपा कार्यालय के, वहाँ से हम लोग को खदेड़ दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, पूरी तरह के तानाशाही रवैया के तहत हम लोग को वहाँ से खदेड़ दिया। कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो सिर्फ जुमलाबाजी करती है 19 लाख रोजगार देंगे। वहाँ से खदेड़ा गया तो हम लोग जदयू के ऑफिस पहुँचे। जदयू के ऑफिस में भी एक पूर्व मंत्री थे, इतना तरह से झल्ला उठे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग आतंकवादी हैं। अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि जाओ जाओ, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है तुम लोग का। तो हम बता देना चाहते हैं, क्या वोट के समय में हम लोग से मतलब है? हम लोग सुबह से 2 गिलास सत्तू पी करके चिल्ला रहे हैं इस धूप में। ज़रा एसी से निकल करके देखिए कि छात्र जीवन में कितना तकलीफ सहने के बावजूद भी हम लोग एलिजिबल हैं। जब एलिजिबल हो गए हैं, आप लोग बहाना पे बहाना झूठा आश्वासन दे रहे हैं। झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग से तो आश्वासन 3 साल से मिल रहा है, हम निकालेंगे, जल्द निकालेंगे, विलम्ब नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अति शीघ्र निकालेंगे। तो वही हो गया ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं हम लोग पर। हम लोग को जब तक वो रिटेन में नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तब तक हम लोग का कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी तो हम लोग मुंडन करवाया है, कैंडल मार्च किया है, कल भिक्षाटन कार्यक्रम किया है, पैदल मार्च भी किया है। आगे कल का कार्यक्रम हम लोग का काला पट्टी बांध करके विरोध जताना होगा। अगर उनसे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे का जो कार्यक्रम है मीटिंग में हम लोग तय करेंगे। अच्छा, कल जो है वो RJD जब आप लोग पहुंचे और हमने आपसे बातचीत की तो आपने बताया कि विपक्ष ने आप लोगों को संतावना दी है, कहा है मतलब हम सत्ता में जो हैं वो नहीं है तो आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपके आंदोलन में हमेशा साथ रहेंगे, आप लोगों का साथ देंगे, और वादा किया था अपनी इस बात को लेके कि वो आज आपके आंदोलन में शामिल होंगे। तो ऐसा हुआ क्या? RJD से, राजद से, विपक्ष से कोई आए? वादा किए थे, अब तो वो विपक्ष में है भाई, नौकरी देना तो उनका काम नहीं है। उनका काम है कि हम लोग, उन्होंने कहा था कि वो पूरे आंदोलन में साथ रहेंगे। आप मेरी बात सुनिए ना, संघर्ष करने का बात कहे थे तो RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हम लोग के धरना स्थल पे आए, अपनी बात को रखे, हाँ आज आए और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। विपक्ष तो हम लोग को आवाज़ उठा ही रहा है, लेकिन तानाशाह सरकार पूरी तरह से हम लोग को रोजगार देने में फैल है, भ्रष्टाचार करने में करवाने में माहिर है। पूरी तरह से हम लोग को लोकतांत्रिक तरीके से जब विरोध करते हैं तो विगत 3 साल से हम लोग पर लाठी डंडा बरसाने का काम। अच्छा, ये राजद से जो तेज प्रताप यादव के आने की बात हुई थी और वो छात्र संघ के भी नेता हैं तो वो आए क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं आए। क्यों? अब उनका ओपिनियन है, वो उनके प्रवक्ता बोले थे कल कि हम कार्यक्रम में आ सकते हैं, अगर कोई उनको निजी काम हो गया होगा तो आज नहीं आ पाए। वो हम लोग को आश्वासन दिए और धरना स्थल पे आएंगे, हम लोग उनसे बात हो गई है। इससे पहले RJD के प्रवक्ता तो आ ही गए हैं, कल जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष RJD के हैं वो RJD कार्यालय में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिए, बहुत हमारी मांग को रखे सबके सामने में, मीडिया के सामने में रखे, और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है लेकिन सरकार ये अंधी बहरी गूंगी बन के बैठी हुई है और कुर्सी से चिपक करके रहना चाहती है। सरकार के ना कोई नीति है ना कोई सिद्धांत है, सिर्फ वो कुर्सी के प्यारा है। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग भी ठान लिया है तब तक तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, आपका खैर नहीं है, हम लोग जाग चुके हैं और हर एक युवा को हर एक जिला से, सभी लोग सब जिला से आए हुए हैं, सब लोग जान आने का काम करेगा। हम लोग रोड जाम करेंगे,
भूख हड़ताल करेंगे आपका कुर्सी हिला देंगे। अच्छा, ये जो रोड जाम कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आज भी आपने जो प्रोटेस्ट किया वो सब आप सरकार से परमिशन लेके कर रहे हैं, उनको सूचित करके कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में तो ये बात आ रही है कि आप लोग इतने दिनों से, 7 दिनों से लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे, तो भी आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है? अब ये तो बात सरकार न जानेगी क्यों नहीं सुन रही है, क्या छल कपट है भाई मन में। आप भी तो जान रहे हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार के हम ना दे पाएंगे, कहाँ से देंगे। लालू प्रसाद यादव पर तंज कह रहे थे जेलवा से आएगा रुपयवा, आप कहाँ से लाइएगा। जो आई थी वो केंद्र में मिनिस्टर जो थी निर्मला सीतारमण जी, आए एकाएक घोषणा कर दिए लो हम 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार कहाँ है, कहाँ है 19 लाख रोजगार। जब सर युवा आपसे सवाल करेगा, आपका पार्टी ऑफिस में जाएगा, आप उसके पर तानाशाह तरीके से हटा देते हैं, लाठी चलवाते हैं। विगत 3 साल से हम लोग पर लाठी ऊपर सया जा रहा है, तो हम लोग लोकतंत्र में नहीं लाठी तंत्र में जी रहे हैं। अच्छा। सरकार को समझना होगा इस चीज़ को। नीतीश कुमार जो हैं वो लाठी चलवा देते हैं जब आप JDU कार्यालय में जाते हैं, और वो रखते हैं क्या कहते हैं सोमवार के दिन की मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, तो जनता की बात सुनी जाती है, तो उस दिन क्यों नहीं जाते आप लोग? जनता का दरबार तो ढकोसला है, क्या उसमें न्याय होता है। वही जाइए जाइए दिखवाइए दिखवाइए, फिर उन्हें जाके इधर हो जाता, उधर नहीं 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 हो जाता। कितना लोग को सुनवाई मिला, ऑन द एक्शन हम जानते हैं खुद ही गड़बड़ हैं, तो आगे का क्या आश्वासन दे सकते हैं। आप शराबबंदी किए कितना सफल है, आप जिस तरह से हेलीकॉप्टर लगवा देते हैं शराबबंदी को बंद करने में, उतना ही मेहनत अगर हम लोग के शिक्षक के साथ बिहार के भविष्य के निर्माता हैं उन लोग को रोड पर ला करके कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा। इससे संभालिए नहीं रहा कुछ, कुछ भी संभल कहाँ रहा है, सिर्फ आश्वासन की बात करते हैं। सरकार कैसा सरकार चला रहे हैं अब, जो है या फिर ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा जो मतलब नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उसको छिपाने के लिए है? हाँ बिल्कुल, मुद्दा से भटकाने के लिए। असली मुद्दा हम लोग का है पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है, बेरोजगारी को दूर करना है। इस सब को मुद्दा के बजाय वो जनता दरबार में जो है अलग अलग तरीका का फरियाद लेते हैं कि हम जनता का हमदर्द हैं। आप हमदर्द नहीं हैं, आप तो हम लोग को रोड पर ले आए हैं। सो अगर हमदर्द रहते तो खुद आते एक बार मिलने के लिए। भूखे हम लोग सुबह से ही सत्तू पी करके हैं, हम लोग जैसे तैसे रह रहे हैं, पूरा कल रोड पर सो गया सब लोग, तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आप बिल्कुल तानाशाह रूप ले लिए हैं, कुर्सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है नीतीश कुमार को। थोड़ा सा भी नीति सिद्धांत बचा है, इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना। शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं, BPSC जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान का पेपर लीक हो गया और कहते हैं ये कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है, हम एक्शन ले रहे हैं। अरे भाई एक्शन कब ले रहे हैं, कौन एक्शन लेगा? आप सारे लोग तो बहाली के लिए भटक रहे, आप लोग भी तो बहाली के लिए भटक रहे तो है ही, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ा गैंग काम करता है, शिक्षा माफिया, बेरोजगार माफिया। नौकरी कहाँ मिल रहा, पैसा देकर के जॉब मिल रहा है, ये पूरी तरह से सिस्टम में इन्हीं के मंत्री लोग शामिल हैं और दलाल छोटा मोटा सबको एकत्रित किए हुए हैं। एक जिला में रोजगार मिलता नालंदा जिला, पूरा पैसा से खरीदा जाता है वहाँ से, और कहाँ पूरा बिहार कहाँ वहीं मिलता है। भ्रष्टाचार पूरा हर एक बहाली में धांधली है, पेपर लीक होता है। मैट्रिक इंटर का तो बातें छोड़ दीजिए, उसका प्रत्येक दिन लीक हुआ है, कौन ऐसा पहले ही व्हाट्सएप पे वायरल हो जाता है। तो ये सरकार नहीं, ये सर्कस चल रहा है पूरी तरह से, पूरी तरीके से सर्कस चल। चलिए आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति 128 अविलंब सरकार जारी करे, तभी हम लोग धरना स्थल पर पहुँचेंगे। दूसरी मांगे है 7वें चरण प्रक्रिया जो है ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज किया जाए। तीसरी मांगे है 7वें चरण में जो अभ्यर्थी हैं सरकार की गलत नीति के कारण उनकी उम्र एक्सपायर होने के कगार पे है, तो उम्र सीमा के बाध्यता को हटाया जाए। सरकारी स्कूल में शिक्षक का पद बहुत सारे भरे पड़े हैं, भर नहीं रही है सरकार। सरकार के इस खराब रवैये के कारण कितना लोग अपनी सपना को उजाड़ देंगे, इसलिए सरकार से ये भी हम लोग का मांग है कि उम्र सीमा की जो है बाध्यता को खत्म करें।
ये थे हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी, जिन्होंने बताया कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं और वो क्या क्या मतलब किस तरीके से अपने धरना का प्रदर्शन कर रहे हो और अपना विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ कैसे आपको दिखा रहे हैं, सरकार को कैसे दिखा रहे हैं अपना विरोध।